उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। 12 जिले के अंता में रात को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता सुबह 4 बजे तक थाने के सामने प्रदर्शन कर धरना देते रहे। वहीं पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल समेत जिले भर के कांग्रेसी नेता धरने में शामिल हुए। कांग्रेस के विरोध के बाद तड़के सुबह भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल रात को बर्डिया से प्रचार प्रसार करके कांग्रेसी कार्यकर्ता वापस आ रहे थे और ऐसे में सीस वाली रेलवे फाटक बंद होने के कारण वहां रुक गए। बाद में पीछे से भाजपा कार्यकर्ता भी वहां आ गए, जिनमें आपस में झगड़ा हो गया, जिसके बाद ये पूरा प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन बाद में किया गया। चुनाव प्रचार करके लौट रहे थे तो इन लोगों ने, मोहित कालरा ने और रामेश्वर जी खंडेलवाल ने मेरी गिरबान पकड़ के मुझे गाड़ी से बाहर निकाला और जितेंद्र मीणा सहित इन बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ मार दिया। फाटक पर हमारी गाड़ी जहां पर रुकी हुई थी उसके आगे रामेश्वर जी खंडेलवाल, मोहित कालरा, प्रशांत विजयवर्गीय और 10-15 लड़के की गाड़ी भी रुकी। वो जानबूझकर हमारे पास बात करने के बहाने आए। मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, बात करो। इतने में वो हताशा की स्थिति में आ गए।